दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में ईयरबड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास है साउंडकोर का R50i ईयरबड और यहाँ पर है मेरा फोन और मैं इसी फोन से इस ईयरबड को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईयरबड साउंडकोर R50i को कैसे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ईयरबड को ऑन करना होता है। तो इसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस ईयरबड को ऑन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम इसके बॉक्स को इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ईयरबड दिखाई देता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों R लिखा रहता है, ये राइट वाला है, यहाँ पर लिखा रहता है L, ये लेफ्ट वाला है। तो इसको हम यहां से निकालेंगे, ठीक है ना। दोनों का शेप अलग अलग होता है और दोनों का शेप का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। यहां पर देखिए दोस्तों आपको दो पॉइंट दिया गया है, यहां पर आपको दो पिन जैसा यहां पर पॉइंट दिया गया है, ये पिन यहां पर लगता है और इसी के थ्रू ये चार्ज भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको यहां से निकाल लिया है। जैसे आप इस ईयरबड को इस बॉक्स से निकालिएगा तो ये ऑन हो जाता है। आपको यहाँ कहीं पे भी बटन नहीं दिया रहता है इसको ऑन और ऑफ करने के लिए। आप कहीं पे भी देखिएगा, आपको कहीं पे भी आपको बटन देखने को नहीं मिलेगा। इसको ऑन करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जैसे आप इस बॉक्स से निकालिएगा तो ये ऑन हो जाता है और इसको कान में लगाइएगा तो यहाँ पर कुछ ये बोलकर आपसे कहता है, मतलब कि ऑन होने की प्रोसेस के बारे में बताता है। तो मैंने इसको निकाल लिया हूँ और ये फिलहाल ये ऑन है। मैं इसको भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद हम इसके बॉक्स को यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करके हम इसको यहाँ से साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों ईयरबड है और इस ईयरबड को मैं अपने फोन से कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर राइट R लिखा रहता है, R से होता है कि आप राइट वाले कान में आप लगाइएगा। यहाँ पर लिखा रहता है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट वाले कान में लगता है। तो ये आपको बता भी देता है कि ये कौन से कान में लगेगा, मतलब राइट वाले कान में लगेगा कि लेफ्ट वाले कान में लगेगा। तो यहाँ से इस चीज का भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने फोन को यहाँ से लेंगे, फोन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फोन के अंदर ब्लूटूथ को ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर से भी यहाँ से स्क्रॉल करके ब्लूटूथ के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके आप ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं। अगर आपके फोन में यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं दिया है तो आप सेटिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो चलिए मैं वहां से भी बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फोन को स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सेटिंग ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ ब्लूटूथ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेटिंग के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शन के अंदर, कुछ फोल्डर के अंदर आपको ब्लूटूथ मिलता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कनेक्शन लिखा हुआ है ना, और कनेक्शन के अंदर यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ लिखा हुआ है। तो जब आप इसको ओपन कीजिएगा तभी जाकर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है। अगर दोस्तों आपको यहाँ से भी ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च इंजन पर क्लिक करके आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए ब्लूटूथ और उसके बाद से सर्च कर दीजिए। तो मैं यहाँ से ब्लूटूथ को टैप करके यहाँ से सर्च कर देता हूँ। जैसे टैप करके यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पर लिख रहा है ना ब्लूटूथ, लिख रहा है ना यहाँ पर ब्लूटूथ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका ब्लूटूथ वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक बटन दिया रहता है इसको ऑन करने का। तो हम यहाँ पर बटन को टैप करके इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ पर टर्निंग लिखता है और उसके बाद से ब्लूटूथ वो प्रोसेसिंग में चला जाता है और यहाँ पर देखिए आपके ईयरबड को ये डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लिख रहा है साउंडकोर R50i। ये मेरा ईयरबड का नाम है, ये साउंडकोर का R50i ईयरबड है। तो इसको यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लिया है, देखिए इसको यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लिख रहा है अवेलेबल डिवाइस कि मतलब कौन सा अभी ब्लूटूथ वाला ईयरबड या कोई भी बैंड ओपन हुआ है तो उसको डिटेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर साउंडकोर R50i पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। क्लिक किए तो यहाँ पर पेयरिंग लिख रहा है, नीचे देखिए आपके सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ रहा है और लिख रहा है ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट पेयर विथ साउंडकोर R50i। यहाँ पर आपको पेयर वाले पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ईयरबड है यहाँ पर अच्छे तरीके से कम्प्लीट पेयर हो चुका है, मतलब कि कम्प्लीट
यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर लिख रहा है ना साउंडकोर R50i कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो 100% बैटरी मैन, बैटरी की परसेंटेज भी यहाँ पर बता देता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है कि आप अपने फोन में ईयरबड को, कोई भी कंपनी का ईयरबड हो, आप बड़े आसानी से इस तरीके से पेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।